हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नंदनी और आज मैं बनाने वाली टेस्टी बेसन के लड्डू। यस फ्रेंड, मैं बेसन का लड्डू बनाने वाली। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और ये हेल्दी भी होता है क्योंकि घर का बना हुआ आता है। बेसन का लड्डू बहुत ही फायदा करता है। मैं आपसे बोलूँगी कि आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोज को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड, चलते हैं टेस्टी टेस्टी लड्डू बनाने, लेट्स गो। बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे बेसन और पिसी हुई चीनी। हम लोग बेसन को भूनने चलते हैं। मैंने पैन को रख दिया गर्म होने के लिए। अभी मैं इसमें घी डाल दूँगी, गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें बेसन को डाल दूँगी भूनने के लिए। इसको चला लेंगे। अभी मैं इसको चलाते हुए भून लूँगी। आप लोग को बराबर चलाते हुए भूनना है, नहीं तो हम लोग का बेसन जल सकता है। ऐसे ही आपको बराबर चलाते हुए बेसन को भून लेना है। हम लोग का बेसन भून चुका है। अभी मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अभी मैं इसमें चीनी को डाल दूंगी। मैंने पाउडर शुगर लिया है। एक कटोरी बेसन में मैंने करीब एक तिहाई चीनी लिया है। अभी मैं इसको मिला दूंगी। अभी हम लोग इसको अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से आपको इसमें चीनी को मिला लेना है। हम लोग का चीनी मिल चुका है। अभी इसको हम लोग थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं करना, बस थोड़ा सा ठंडा करना है ताकि जब हम लोग लड्डू बनाएं तो हम लोग के हाथ जले नहीं। हमको जितना चाहिए, हम लोग का मिक्सर ठंडा हो चुका है। अभी मैं इसको लड्डू के शेप में बना लूँगी, ऐसे गोल गोल। जब आप बेसन को भुनिएगा तो ध्यान रखिएगा रिफाइंड का। ऐसे आपको सारी लड्डू को बनाना है। अभी इसको मैं बादाम से थोड़ा सा सजा दूंगी। ऐसे बाकी के लड्डू को भी मैं बना लेती हूँ ऐसे ही। सो फ्रेंड, मेरा टेस्टी सा लड्डू बन के तैयार हो चुका है। मैं आपसे बोलूँगी कि आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोज़ पे कमेंट करेगा। सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड।